समीरा मूसा, यकीनन आपने इनका नाम नहीं सुना होगा। सुनते भी कैसे, किसी ने बताया ही नहीं होगा। तो आज की वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है, क्योंकि मैं एक ऐसी खातून के बारे में बात करने वाला हूं जो मुस्लिम दुनिया की पहली फीमेल एटॉमिक साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट बनी। इनका सिर्फ ये कमाल नहीं था कि ये मुस्लिम फीमेल एटॉमिक साइंटिस्ट बनी, बल्कि ये इतनी काबिल थी और जिस वे में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जा रही थी, इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना इतना आसान हो जाता कि आज हर मुस्लिम मुल्क के पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स होते। इनकी ख्वाहिश थी कि न्यूक्लियर ट्रीटमेंट को इस कदर सस्ता कर दिया जाए जितनी कि एक एस्पिरिन की गोली होती है। ये इतनी काबिल थी कि अमेरिका इन्हें अपनी शहरियत देना चाहता था और इसराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद इन्हें कत्ल करना चाहती थी। तो जानते हैं समीरा मूसा की कहानी क्या है और इनके साथ मोसाद और अमेरिका ने क्या सलूक किया। सो लेट्स स्टार्ट। समीरा मूसा 3 मार्च 1917 को मिस्र के शमाली इलाके गर्बिया में पैदा हुई। इनके वालिद इलाके के मशहूर सियासी कारकुन थे, जबकि वालिदा अपनी बेटी के अमली जिंदगी में कदम रखने से पहले ही कैंसर के बायस दुनिया छोड़ गई। समीरा कमसन ही थी कि इनके वालिद इन्हें लेकर मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा मुंतकिल हो गए, जहां इन्होंने अपनी जमा पूंजी एक छोटे से होटल में लगाकर गुजर बसर का बंदोबस्त किया। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद इस जहीन लड़की ने सेकेंडरी एजुकेशन में आला तरीन नंबर हासिल करके खुद को इंजीनियरिंग की तालीम का हकदार बना लिया था। समीरा मूसा की जहानत के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने सेकेंडरी स्कूल के पहले साल में अलजबरा की सरकारी किताबों में गलतियां निकालकर इनकी दुरुस्तगी की और इसे अपने वालिद के खर्चे पर छापा और 1933 में इसे अपने साथियों में मुफ्त तकसीम किया। समीरा ने आगे पढ़ने के लिए कायरा यूनिवर्सिटी के शोबा साइंस का इंतखाब किया। 1939 में समीरा ने शानदार कामयाबी के साथ BSc रेडियोलॉजी की तकमील की, जिसके बाद इन्होंने एक्सरे की ताबकारी के असरात को अपनी तहकीक का मौजू बना लिया। वो कायरा यूनिवर्सिटी की पहली खातून असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर हुई। ये इस यूनिवर्सिटी के मनसब पर भी किसी औरत की पहली तकरीर थी। अवलियत का ये सिलसिला उस वक्त मेराज को पहुंचा जब वो एक मिशन पर बर्तानिया गई, जहां इन्होंने जौहरी ताबकारी एटॉमिक रेडियो एक्टिविटी का मुताला किया और एक्सरे और मुख्तलिफ अशिया पर इसके असरात में डॉक्टरेट की PhD की डिग्री हासिल की और इस शोबे में पहली खातून साइंसदान करार पाई। समीरा मूसा जौहरी ताकत के पुरअमन मकासद के इस्तेमाल पर यकीन रखती थी और इसी नज़रिए की प्रचार करती थी। इनका कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि कैंसर के लिए जौहरी इलाज यानी कि न्यूक्लियर ट्रीटमेंट दस्तयाब हो और इतना सस्ता हो जैसे एस्पिरिन की टैबलेट होती है। इनके इस कॉल ने बड़ी शोहरत हासिल की और शायद ये सोच भी इनकी मौत का सबब बनी। अपने इस तसव्वुर को अमली जमा पहनाने के लिए इन्होंने सख्त मेहनत की और इनकी तहकीकी सरगर्मियों का महवर यही सोच बनी रही। ये ख्याल ही क्या कम क्यामत खेज था कि समीरा मूसा की इस इक्वेशन, इस मसावात ने तो हलचल ही मचा दी, जिसकी मदद से सस्ती धातों मसलन तांबा वगैरह के जौहर तोड़कर एक सस्ता जौहरी बॉम्ब बनाना मुमकिन हो जाता। समीरा तो ये अमन मकसद के लिए कर रही थी, लेकिन इसराइल इसे ऐसे नहीं देख रहा था। खुद सोचें, एक सस्ता तरीन एटम बॉम्ब बनाने का रास्ता। तीसरी दुनिया की अकवाम, खास तौर पर मुस्लिम ममालिक को एटमी हमले के खौफ से निजात दिलाने का ये एक नुस्खा था। अगर ऐसे मुल्क एटम बॉम्ब हासिल कर लेते हैं तो इसराइल के लिए तो सबसे बड़ा खतरा था। समीरा की इस इक्वेशन ने अमरीका और इसराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। लेकिन समीरा का विजन एटम बॉम्ब का फैलाव नहीं, बल्कि इस एनर्जी का अमन के लिए इस्तेमाल था। लेकिन इनकी ये इक्वेशन ऐसी थी जिससे सस्ता तरीन एटम बॉम्ब भी बन सकता था। समीरा मूसा ने जौहरी तवानाई बराए अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया, जिसमें बहुत से मुमताज़ साइंसदान इनवाइट किए गए थे। इस प्लेटफॉर्म से इस ज़ेरख और इंसानियत दोस्त साइंसदान ने जौहर बराए अमन के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ भी पेश की। समीरा मूसा की कोशिशों से मुनक्किद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में जौहरी तवानाई के खतरात से बचाव के लिए बहुत सी सिफारिशात मुरतब की गई और कमेटी भी तश्कील दी गई, जिसके लिए समीरा मूसा पेश रहीं। कैंसर के मर्ज से जंग समीरा की सरगर्मियों में अहम तीन रही, जिसका सबब इनकी वालिदा का इस मौजी मर्ज का शिकार होकर दुनिया से चले जाना था। वो मुख्तलिफ अस्पतालों में जाकर रजाकाराना तौर पर कैंसर के मरीजों की इनके इलाज में मदद करती थी। इस बासलाइत साइंसदान की शोहरत मिस्र की सरहदें पार करके दूर दूर तक पहुँच चुकी थी। जौहरी साइंस में बेमिसाल कामयाबियों की बिना पर समीरा मूसा को 1950 में अमेरिका की फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली और इन्हें अमेरिकी रियासत मिजूरी की सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में तहकीकी सरगर्मियों के लिए इनवाइट किया गया। साथ ही अमेरिका पहुंचने पर इन्हें अमेरिकी शहरियत की भी पेशकश की गई।
मगर समीरा ने पैरों में पड़ी इस अमरीकी शहरियत को लात मार दी, जिसकी खातिर लोग अमरीकियों के पैरों में पड़ जाते हैं। इन्होंने ये पेशकश रद्द करते हुए कहा कि मेरा मुल्क मेरा इंतजार कर रहा है। जिस शख्सियत को अमरीका खरीदने की कोशिश कर रहा हो, आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो कितना काबिल होगा। अमरीका में क्याम के बाद वो वतन वापसी की तैयारी कर रही थी कि इन्हें कैलिफोर्निया की कुछ जौहरी तजर्बा गाहों के दौरे की दावत दी गई। वो पहली गैर मुल्की होती जो अमरीका के इन हसास मकामात तक बराह रास्त रसाई हासिल कर पाती। बताया जाता है कि 5 अगस्त 1952 को वो कैलिफोर्निया के लिए रवाना हुई, जहाँ इन्होंने जौहरी तजर्बा गाहों का विजिट करना था। रास्ते में एक वादी से कुछ पहले इनकी कार किसी पुरअसरार हादसे का शिकार होकर 40 फीट गहराई में जा गिरी और वो फौरी तौर पर जान बहक हो गई। मगर कार के ड्राइवर के बारे में कहा जाता है कि वो कार के गिरने से एन पहले छलांग लगाकर बच गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। समीरा को इनवाइट करने वाली फैकल्टी का कहना था कि इन्हें लाने के लिए कोई कार नहीं भेजी गई थी, जबकि ड्राइवर की शिनाख्त भी जाली थी। इस आने पर शकूक व शुबहात का इजहार किया गया। ड्राइवर का लापता होना साफ बता रहा था कि समीरा हादसे का शिकार नहीं हुई, इन्हें बाकायदा साजिश के तहत कत्ल किया गया है। मगर जिस साइंसदान की अमरीका में इतनी अवभगत की गई और जिसे अमरीकी अपनी शहरियत देने के लिए बेताब थे, उसकी पुरअसरार मौत का मामला दबा दिया गया। इस शक का इजहार किया जाता है कि समीरा मूसा को कत्ल किया गया है और ये इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की कारस्तानी है। एक मुमताज अरब और मुस्लिम साइंसदान होने की हैसियत से और सस्ते जोहरी बॉम्ब के तसव्वुर के बायस समीरा इसराइल का हदफ थी। दोस्तों, मिस्र के ऑनलाइन अखबार इजिप्ट इंडिपेंडेंट पर दस्तयाब अरब अमारात की वेबसाइट अल बयान से लेकर शाया किए जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक समीरा के कत्ल की साजिश में नुमाया तरीन करदार मिस्री अदाकारा राकिया इब्राहिम का था। मिस्र से ताल्लुक रखने वाली यहूदी अदाकारा राकिया का मिस्री होना इसे इसराइल के साथ वफादारी से भी बाज ना रख सका, यानी वतन पर मजहब नस्ल और नजरिया बाजी ले गया। इसराइल के क्याम के बाद वो मिस्र के यहूदियों को उकसाती थी कि वतन छोड़कर इसराइल में जा बसें। अगरचे इसने शादी एक मिस्री मुसलमान इंजीनियर मुस्तफ़ा वाली से की थी, मगर ये रिश्ता अरबों और मिस्रियों से मोहब्बत और वफा का ताल्लुक ना बन सका। इसराइल और सहूनियत से वाबस्तगी में वो इतनी कट्टर और बेबाक थी कि इसने एक फिल्म में एक ऐसी बद्दू औरत का किरदार अदा करने से इनकार कर दिया था जिसे फलस्तीन की जंग में मिस्री फौज के लिए लड़ते दिखाया गया था। शोहर से अलहदगी के बाद 1954 में राकिया मिस्र छोड़कर अमेरिका जा बसी। ये समझा जाता था कि समीरा को मौत के मुंह में धकेलने वाली राकिया इब्राहिम थी जो मोसाद की आलाकार के तौर पर इस साजिश का हिस्सा बनी। इस जमन में सबसे अहम शहादत राकिया की पोती रिटा डेविड टॉम्स की है, जो राकिया के अमरीकी शहरियत के हामिल यहूदी शोहर के ताल्लुक से राकिया की पोती हैं, जिन्होंने 2012 में पहली बार इस मौजू पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए समीरा मूसा को कत्ल किए जाने के मजीद सबूत फराहम किए थे। राकिया की पोती का कहना था कि इसकी दादी की डायरियों में, जो कैलिफोर्निया में वाकई राकिया की रहायशगाह की लाइब्रेरी में छुपाई गई थी, उस डायरी में समीरा मूसा के काहिरा में वाकई घर के मुख्तलिफ मौके की तस्वीर मिली हैं। इसने ये भी इंकशाफ किया कि राकिया ने समीरा के घर की चाबी का नक्शा साबन की बट्टी पर उतार लिया था, जो इसने मिस्र में मौजूद मोसाद के एक एजेंट के हवाले कर दिया। इस कार्रवाई के कुछ अरसे बाद राकिया समीरा को अपने साथ काहिरा में एक ओपेरा दिखाने के बहाने ले गई। समीरा की गैर मौजूदगी में मोसाद के एजेंट इसके घर में दाखिल हुए और इसके तहकीकी मवाद की तस्वीर उतार कर ले गए। साफ लगता है कि राकिया ने मोसाद के दिए गए मिशन ही के तहत समीरा से दोस्ती गांठी थी। ये दोस्ती उस वक्त इख्तिताम पजीर हुई जब राकिया ने अमरीकी हुकाम की जानिब से मुज़ाकरात का किरदार अदा करते हुए समीरा को अमरीकी शहरियत और अमरीका में रहकर काम करने के लिए आमादा करने की कोशिश की थी। समीरा के इनकार पर इसने धमकी दी कि इसका नतीजा कब्र होगी। जब समीरा अमेरिका के दौरे पर पहुंची तो राकिया एक मुश्तरका दोस्त के जरिए इनका ताकुब और इनकी तमाम सरगर्मियों की मालूमात हासिल करती रही। इन्हीं मालूमात की मदद से मोसाद समीरा को अपने जाल में फंसाने और इन्हें कत्ल करने में कामयाब हुई। इसराइल को समीरा से क्या दुश्मनी थी? अमाराती वेबसाइट अल बयान की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को खदशा था कि समीरा की अहलियत के बायस मिस्र जौहरी बॉम्ब बनाने के काबिल हो जाएगा। चुनाचे पहले राकिया के जरिए समीरा को अमेरिका मुंतकिल होने और अमेरिका के लिए काम करने पर आमादा करने की कोशिश की गई, ताकि वो मिस्र या मुस्लिम दुनिया के काम ना आ सकें। जब इस मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई तो इनकी जान लेने से भी दरेग नहीं किया गया। दोस्तों, समीरा मूसा जैसी एक मुस्लिम काबिल साइंटिस्ट की शहादत एक सानिया है। मजीद अलमिया यह है कि इस अजीम नुकसान का तज़करा भी नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, इनकी तहकीकी काम भी इस बहाने के साथ दबा लिए गए कि वो तमाम अरबी में है। सवाल यह है कि इनका तहकीकी काम सामने क्यों नहीं लाया जाता।
दूसरा सवाल यह है कि मिस्र की सलामती के अदारे इतने बेखबर क्यों थे, इनकी एक अजीम साइंसदान तक एक ऐसी खातून की रसाई होगी जिसकी इसराइल से दोस्ती बिल्कुल वाजे थी, और समीरा मूसा की हिफाजत के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए। अपनी सगफलत के हाथों मिस्र ने ना सिर्फ अपना जौहर नायाब खो दिया बल्कि मुस्लिम दुनिया को भी एक काबिल फ़ख्र साइंसदान की सलाहियतों को सही मानों में बुरे कार आने से पहले ही महरूम कर दिया। ये भी सुन लीजिए कि मिस्रियों ने अपनी जिस महबूब अदाकारा राकिया इब्राहिम की सरगर्मियों से आंखें बंद कर ली थी और जिसे एक फेस्टिवल में मिस्री वफ्द की क्यादत का एजाज अता करने की कोशिश की थी, अमेरिका मुंतकिल होने के बाद राकिया इब्राहिम अमेरिका के लिए इसराइल की खैर सगाली की सफीर मुकर्रर की गई। ये समीरा मूसा के कत्ल में मुआवनत का सिला था। तो अब तक के लिए इतना ही। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।